हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी रूटीन वीडियोस को आप बहुत प्यार देते हैं, फिर चाहे वो मॉर्निंग रूटीन हो, इवनिंग रूटीन हो या फिर फुल डे रूटीन हो। विंटर्स में थोड़ी लेजी हो गई थी, उठते उठते 5 बज जाया करते थे, लेकिन अभी जैसे ही समर स्टार्ट हुआ है तो अब ज़्यादा देर तक सोने का मन ही नहीं करता, तो 4:30 से पहले ही मैं उठ जाती हूँ और 5 बजे से पहले पहले फ्रेशअप होके अपनी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाती हूँ। और सुबह 4:30 से लेकर 10:30 बजे तक अपने पूरे दिन का 70% काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। अपनी मॉर्निंग एनर्जी को जब हम यूटिलाइज करते हैं अपने दिन भर के दौड़ भाग वाले कामों में, तो आपका 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता है। तो सुबह की शुरुआत खुद के साथ, सबसे पहले खुद की केयर करना ताकि दूसरों की केयर करने के काबिल हम खुद को बना सकें। कम से कम भी आधा घंटा बॉडी को इस तरह से मूव करना कि ठीक ठाक पसीना आ जाए। आजकल मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया है सूर्य नमस्कार करने का, तो मैं आधा घंटा सिर्फ सूर्य नमस्कार करती हूँ और जिस स्पेस में मैं कर रही हूँ इस स्पेस में 30 मिनट्स में 90 सूर्य नमस्कार मैं कर लेती हूँ। और ये चैलेंज स्टार्ट किए मुझे 9 डेज हो चुके हैं और ऐसा फील होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया है और अपने आप में बहुत एनर्जी फील करती हूँ। 12 आसन का एक सूर्य नमस्कार होता है, तो अगर मैं 90 सूर्य नमस्कार कर रही हूँ तो मैं आधे घंटे में 1080 यानी कि 1080 आसन की, और इसके बेनिफिट्स आप गूगल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा ये कितनी अमेजिंग चीज़ है। सूर्य नमस्कार करने के बाद करती हूँ प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि क्लेंजिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उज्जयी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ओम का उच्चारण और साथ ही सुदर्शन क्रिया। और आधे घंटे के इस पूरे प्रोसेस में आप अपने लंग्स को ऑक्सीजन के साथ इतना भर लेते हैं, शायद अगर आप ये ना करें तो पूरे दिन में भी आप उतनी ऑक्सीजन कंज्यूम ना कर पाएं। ऑक्सीजन भी एनर्जी का सोर्स है और जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी उतने ही आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, और जो लोग प्राणायाम रेगुलरली करते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। सुदर्शन क्रिया एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें बार बार आपको अपना ब्रीदिंग मोड चेंज करना पड़ता है और इसकी वजह से माइंड को उसी पे फोकस करना होता है और उस टाइम माइंड स्टिल हो जाता है, यानी कि वो अननेसेसरली थॉट्स जो आपके माइंड में दिन भर चलते रहते हैं कुछ देर के लिए वो सब स्टिल हो जाते हैं। कुछ देर के लिए ध्यान करती हूँ और जब रेगुलरली हम ध्यान करते हैं तो अपनी लाइफ में पूर्णता का एहसास होने लगता है। अब गर्मी है तो एक्सरसाइज करने के बाद मन करता है कि सीधा नहा लिया जाए, लेकिन नहा अभी नहीं सकती क्योंकि इसके बाद भी अभी ऐसे और बहुत सारे काम करने हैं जिससे दोबारा पसीना आ जाता है, तो बस कपड़े चेंज करके सीधा फेस वॉश कर लेती हूँ और स्टफी को वॉक पे लेके निकल जाती हूँ। समर्स में स्किन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हीट और सन एक्सपोजर में सन बर्न स्किन का डिहाइड्रेट हो जाना बहुत ही कॉमन है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मामा अर्थ ने लॉन्च किया है एलो अश्वगंधा जेल। एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चर रखता है और अश्वगंधा स्किन में ग्लो लाती है। लाइट वेट फॉर्मूला से बनी ये जेल बहुत लाइट वेट है और क्विकली स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाती है। ये एक मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जो प्रूफ है कि इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, सो किसी भी एज ग्रुप का कोई भी पर्सन इसे बिना किसी टेंशन यूज कर सकता है। एलोवेरा और अश्वगंधा के अलावा इसमें विटामिन ई और ग्लिसरिन भी है जो अर्ली एजिंग साइन को प्रिवेंट करता है और स्किन को बिना चिपचिपाहट हर वक्त मॉइस्चराइज रखता है। इसके साथ ही मामा अर्थ ने लॉन्च किया है एलोवेरा फेस वॉश जो हमें एक क्लीन एंड क्लियर स्किन प्रोवाइड करता है। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं और नेचर के लिए उनका कंट्रीब्यूशन हमें इन प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट भी करता है। सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लांट। 2025 तक मामा अर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है। ये प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, और अगर आप मेरा कूपन कोड शेपअप 2022 का यूज़ करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप में से बहुत से व्यूअर जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अभी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये शूज़ पहन के मैं कहाँ जा रही हूँ, एंड आई थिंक आपका अंदाज़ा सही भी होगा। ये टाइम है स्टफी को वॉक पे लेके जाने का, लेकिन उससे पहले एक दो काम मुझे और करने हैं।
उदय की क्लासेस शुरू हो गई हैं तो उसकी इवनिंग क्लासेस होती हैं, तो इसलिए उसने अपना जिम का टाइम शिफ्ट कर दिया है मॉर्निंग पे। तो दोनों बच्चे अब इवनिंग की बजाय मॉर्निंग में जिम जाते हैं। तो मॉर्निंग में जिम जाने से एक घंटा पहले वो पीनट बटर के साथ एक ब्रेड टोस्ट खा के जाता है, और जैस्मिन के लिए कोसे पानी में थोड़ा सा नींबू और साथ ही 5 बादाम दिए हैं। तो आजकल मैं उसे एक दिन नींबू पानी देती हूँ और एक दिन सौंफ का पानी, तो ये बना के मैं रख जाती हूँ। बच्चे उठ के अपना खा लेते हैं, उसके बाद एक घंटा पढ़ लेते हैं, फिर जिम चले जाते हैं। और मेरा फर्स्ट ड्रिंक तो है ही नींबू पानी, साथ में 6 भीगे और छिले हुए बादाम लेती हूँ। डेली हम सबकी वही सेम रूटीन होती है, और कुछ लोग कई बार मुझसे पूछते भी हैं क्या वही सेम काम करके रोज़ मैं बोर नहीं होती। मान लीजिए चलो मैं बोर होती भी हूँ, तो क्या मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है? क्या आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है? अगर है तो बहुत बढ़िया, अपने काम को शिफ्ट करते रहना चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाता है। या बीच में कभी कभार ब्रेक लेके छुट्टी पे निकल गए तो भी माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर आपकी जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें रोज़ आप एक नया चैलेंज फेस करते हैं और रोज़ नए चैलेंजेस फेस करने में आपको इंटरेस्ट आता है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज़ मैं बात करूं एक होम मेकर से लेकर एक कंपनी का CEO, डेली सबकी वही सेम रूटीन होती है। टफी को वॉक से लेके आने के बाद मैं एक लोड लगा देती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ सीधा गार्डन में प्लांट्स को पानी देने के लिए। तो ये टाइम होता है बालकनी में और साथ ही गार्डन में प्लांट्स को पानी देने का। और 7 बजे से पहले पहले बाहर के सारे काम खत्म कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद धूप निकल जाती है, फिर धूप में ये काम करने का मन नहीं करता। और बस उसके बाद 7 बजे के करीब करीब बच्चे अपना जिम के लिए निकल जाते हैं। अब इस वक्त पापा मम्मा कुलदीप जी या किसी और को भी अगर जल्दी कहीं जाना है तो ब्रेकफास्ट पहले रेडी करना पड़ता है, तो फिर सीधा चली जाती हूँ मैं किचन में, ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ रेडी कर देती हूँ, जो कि बहुत ही रेयर होता है कि मुझे पहले किचन में जाना पड़े। कुछ टाइम पहले तक मैं कुकिंग पहले करती थी और क्लीनिंग बाद में, लेकिन अब मुझे लगता है कि सुबह एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको क्लीनिंग के काम में यूटिलाइज़ करना चाहिए। और वैसे भी बच्चे अब जिम चले जाते हैं, कुलदीप जी भी थोड़ा लेट आते हैं, पापा मम्मा भी बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो ब्रेकफास्ट फिर तभी बनाना बेटर रहता है जब सब लोग वहाँ पर प्रेजेंट हों। लेकिन अभी 7 से लेकर 8 बजे का जो टाइम है, एक घंटा मैं पूरी दौड़ लगाती हूँ, लॉन्ड्री का काम खत्म करती हूँ, साथ में क्लीनिंग का जो भी डस्टिंग का काम होता है वो खत्म करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब मेरी हाउस हेल्पर सुबह 6 बजे ही आ जाती है और वो फ्लोर क्लीन करके चली जाती है, उसके बाद मैं अपनी डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो एक पर्टिकुलर टाइम जब हम फिक्स कर लेते हैं किसी भी एक या दो काम के लिए तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अदरवाइज मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठ गए हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक क्या करना है, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, टाइम वेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग भी नहीं उठे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रात को ही प्लान कीजिए कि सुबह उठते ही आपको क्या करना है, उसके बाद क्लीनिंग पार्ट में आपको क्या करना है, लॉन्ड्री पार्ट में क्या करना है, कुकिंग में आप क्या करने वाली हैं। लॉन्ड्री फोल्ड करने का जो काम होता है मैं फोल्ड कर लेती हूँ, आयरन करने के लिए मैंने अलग से एक बास्केट लगा रखी है, आयरन करने वाले कपड़े मैं उसमें डाल देती हूँ, जब मन करता है 10-15 मिनट कर लेती हूँ क्योंकि ये काम मुझे करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। क्लीनिंग पार्ट के लिए हर रोज़ कुछ एरियाज डिवाइड कर लेती हूँ और रोज़ फिर डिसाइडेड एरिया को ही क्लीन करती हूँ। डस्टिंग करने के लिए भी हेल्पर रखी जा सकती है, पर जब हम बात करते हैं बॉडी मूवमेंट की तो उसमें ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। 24 आवर्स को जब आप डिवाइड करेंगे अपनी डेली जॉब के साथ तब आपको पता चलेगा कि आप अपने पूरे दिन के काम को 6 से 7 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, जिसे करने में आप 12 से 14 घंटे लगाते थे और शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा, और वो सिर्फ इसलिए कि हम बिना प्लानिंग के बिना किसी सिस्टम के काम करते हैं। टाइम मैंने कुछ इस तरह से सेट किया है कि सुबह 6:30 से लेकर 8 बजे तक लॉन्ड्री और डस्टिंग सब डन हो जाता है।
वॉशरूम क्लीनिंग का काम पेंडिंग रहता है, वो मैं इस टाइम नहीं करती हूँ। रोज़ मुझे एक वॉशरूम क्लीन करना होता है और वो मैं शावर लेने से जस्ट पहले करती हूँ। उसके बाद चली जाती हूँ सीधा किचन में। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मेरा कुकिंग पार्ट होता है, जिसमें 2-3 तरह का ब्रेकफास्ट बनता है, साथ में लंच बनता है। तो लंच मैं इसी वक्त बना के रख देती हूँ और अपने आप को फ्री कर लेती हूँ। तो अभी 8 बजे हैं, तो सबसे पहले मैं लंच बना लूँगी, क्योंकि बच्चे 9:15 बजे के अराउंड जिम से वापस आते हैं। तो ब्रेकफास्ट फिर आप सब लोग साथ में ही करते हैं। पहले लंच रेडी कर लूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी, साथ में बना रही हूँ लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी जैस्मिन के लंच के लिए है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैस्मिन की डाइट मैंने टोटली चेंज कर दी है, उसको इस वीक आलू बिल्कुल नहीं दिया गया। और जैस्मिन की डाइट फोर्सफुली मैंने चेंज नहीं की है, उसके कहने पर चेंज की है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे फोर्स करूं, वो कर ना पाए और वापस से फिर उसी ट्रैक पर आ जाए। जैस्मिन की डाइट में कुछ चीज़ों को थोड़े दिनों तक के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, 2 महीने में आपको रिजल्ट नज़र आएगा। कैसी डाइट उसे दे रही हूँ, हर ब्लॉग में आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी। इंस्टाग्राम पे भी मैं कई बार स्टोरीज डालती रहती हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट की, तो आप देख सकते हैं। तो हम सबके लिए बन रही है आलू बैंगन की सब्जी, साथ में कुछ लेफ्ट ओवर सोयाबीन की दाल पड़ी है फ्रिज में, तो उसे भी मैं साथ ही में लंच में यूज़ करूँगी। जैस्मिन खाएगी सिर्फ लौकी के साथ 2 ओट्स रोटी। जैस्मिन के लिए लंच में ओट्स रोटी है, लेकिन वीट बिल्कुल बंद नहीं किया है। 50% ओट्स फ्लार है और 50% वीट फ्लार है। दोनों को मिला के आटा गूंद लेना है, बस उसी की 2 चपातियाँ उसके लिए बना देती हूँ। सबके लिए आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है बेसन का चिल्ला, लेकिन जैस्मिन के लिए ब्रेकफास्ट में बनेगा ओट्स दलिया। ब्रेकफास्ट में जैस्मिन ओट्स दलिया खाएगी, लंच में मैंने आपको बता दिया। डिनर उसका होगा लौकी सूप विद 1 टोस्टेड ब्रेड। और दिन भर में बीच में कभी फ्रूट हो गया, कभी ग्रीन टी हो गई, कभी मखानाज हो गए, मतलब छोटे छोटे बट फ्रीक्वेंट मील्स दिन भर चलेंगे। ओट्स वेजिटेबल दलिया के लिए बहुत सारी वेजिटेबल्स, प्याज टमाटर गाजर ली है, यहाँ पे शिमला मिर्च ली है। ओट्स दलिया बनाने के लिए रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्विक ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस वही डाला है इसमें 1/2 कप पानी डाल के, सीजनिंग डाल के इसे पका लेना है, बस झट से बन जाता है ओट्स दलिया। ब्रूनो गेट के अंदर अब बहुत रेयर आता है, स्टफ़ी से बहुत डरता है, क्योंकि स्टफ़ी और इसकी आजकल आपस में बनती नहीं है। तो अभी भी अचानक ब्रूनो अंदर आ गया और हमें डर लग रहा था कि कहीं दूसरे को काट ना ले, बट किसी तरह से मना के हम स्टफ़ी को अंदर ले गए और झगड़ा होने से बच गया। गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो डॉग्स के लिए कच्ची लस्सी या फिर दही लस्सी, थोड़ा सा चाहें तो उसमें ग्लूकोज भी मिला सकते हैं, कहते हैं डॉग्स के लिए गर्मियों में ग्लूकोज अच्छा होता है। बेसन चीला के साथ ग्रीन चटनी हो जाए या फिर टोमेटो केचप, लेकिन साथ में लस्सी ज़रूर होनी चाहिए। लस्सी वैसे भी डाइजेशन इम्प्रूव करती है, और गर्मी में दूध और चाय की बजाय लस्सी अच्छी लगती है। ब्रेकफास्ट में है बेसन चीला, साथ में है ओट्स दलिया, और उदय के लिए बन रहा है एग ब्रेड चीज सैंडविच, क्योंकि ना तो वो बेसन का चीला खाएगा और ना ही वो ओट्स दलिया खाएगा। मैं खुद वो नहीं खाती जो मुझे खाना पसंद नहीं, तो मैं किसी को वो खाने के लिए फोर्स भी नहीं करती जो उसे पसंद नहीं।
व्हाट अबाउट दिस टमी? ये इसके अंदर यही सब कुछ है, इस किचन में यही सब कुछ होता है। मैं कितनी भी कुकिंग कर लूं, लेकिन अगर किसी को कुछ टेस्ट में कमी लगे तो अपने टेस्ट का इंतजाम खुद कर लेता है। उदय और कुलदीप जी को चिकन फिंगर खाने थे तो तवे पे उन्होंने वो सेक लिए। अपना काम मैं खत्म कर चुकी हूँ, आराम से अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूंगी और उसके बाद किचन क्लीन करूंगी, एक वॉशरूम क्लीन करूंगी, उसके बाद शावर लूंगी और अपना मी टाइम इंजॉय करूंगी और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।